मिशन का दूसरा फेज बुधवार यानी आज से चंडीगढ़ में शुरू हो गया है। इस फेज के तहत अब फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जा रही है। इससे पहले ये कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई थी। बता दें कि पहले चरण के तहत करीब 3500 हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी थी। अब दूसरे फेज में फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी, हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी, चंडीगढ़ पुलिस के जवान व अन्य विभागों के लोग शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना के मुश्किल समय में लोगों तक हर जरूरत का सामान पहुंचाने और अपनी ड्यूटी निभाई थी। बताते चले कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए नगर निगम के कमिश्नर के यादव, जॉइंट कमिश्नर तिलक राज समेत निगम के अन्य कर्मचारी भी पहुंचे, जो वैक्सीन लगाने के बाद थम अप का साइन दिखाते हुए नजर आए। नगर निगम कमिश्नर के यादव ने कहा कि अब वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अब आम लोगों को भी इसे लगवाना चाहिए। वहीं नगर निगम के अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी वैक्सीन लगाने के बाद ये कहा कि वे वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों में इसको लेकर जो भ्रम है वह पूरी तरह से अफवाह है, उन पर ध्यान ना देकर या वैक्सीन जरूर लगवाएं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि आज वैक्सीन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और इसके तहत कितने लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। चंडीगढ़ से संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। सर पहले अपना नाम वगैरह बता दीजिए, दूसरा जो वैक्सीन लगी है इसके बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम अक्षय कुमार है, मैं एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM साउथ ऑफिस में काम कर रहा हूँ मार्च से, और हम अपने आप को लक्की समझते हैं कि एज ए फ्रंट लाइन वर्कर जो हमने काम किया है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें वैक्सीन दी जा रही है। आज हमें अभी कोविशील्ड वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी गई है और बहुत अच्छा है, मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो कुछ नहीं फील हो रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, और लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने लिए। आपको नहीं लगता आज की डेट में वैक्सीन ही एक सहारा है? आज की डेट में वैक्सीन ही एक ऐसा मीडियम नज़र आ रहा है जो कोविड से हमें बचा सकता है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि सभी वैक्सीन ज़रूर लें। सर थोड़ा सा कैमरे की तरफ ये पकड़ लो, कैमरे की तरफ। हाँ जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जो आज वैक्सीन लगी है। जी जी, मैं जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी सेक्टर 16 हॉस्पिटल में डॉक्टर संजीव शर्मा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट का हूं, और मैंने आज वैक्सीन लगवाई है। ये एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ़ वैक्सीन है, हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन के अलावा इस टाइम अभी तीन चीज़ें और हैं, एक मास्क, एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो ये सारे काम हमने करने हैं, और मेरी सबसे ये अपील है कि ये जो सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी जो दी जा रही है हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैं तो कहता हूँ कि 100% जैसे हम लोग अपने दूसरे टीकाकरण में कामयाबी हासिल करते हैं, इसको भी अत्यंत ज़रूरी समझ के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए ताकि हम इस महामारी के ऊपर काबू पा सकें। धन्यवाद। मैडम आज आपको वैक्सीन लगी, कैमरे की तरफ देखना, कैमरे की तरफ। हाँ हाँ जी, आज ही अभी लगवा के आ रहे हैं हम। मैडम इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा, इट इज़ क्वाइट सेफ, हमने अभी लगवाई है, हाफ एन आवर वेट किया है, कोई सिम्टम नहीं हुए अभी कुछ, अभी तक सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, एंड इट इज़ वेरी वेरी सेफ। हाँ जी, माई माई सेल्फ इज़ डॉक्टर, आई एम वर्किंग विद इंडस्ट्रीज एंड ऑल, एंड इट इज वेरी सेफ मेडिसिन, नो प्रॉब्लम इट आर। थोड़ा सा आप बताइए वैक्सीन के बारे में। हाँ जी, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन हमने अभी लगवाई है, इसका बिल्कुल लगाने के टाइम भी हमें कुछ पता नहीं चला, इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने लगाई है, और पहले उन्होंने हमारा अच्छे से उन्होंने पहले सारा चेक कर लिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इंजेक्शन लगाया, बड़े स्टरलाइज्ड वे ना लगाया, और उसके बाद उन्होंने हमें हाफ एन आवर वेट करवाया और बड़े अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 4 वीक्स के बाद सेकंड डोज लगेगी, और अगर कोई उन्होंने बोला है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी जस्ट पैरासीटामॉल ले लेना और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं तो सब पूरे देशवासियों को एडवाइज़ करती हूँ कि ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, कोई ख़तरे की कोई बात नहीं है, ये जस्ट लाइक एनी अदर वैक्सीन जो हम बचपन से लगवाते आ रहे हैं वैसे ही है। सो जैसे हम बीमारियों की बाकी बीमारियों की रोकथाम से लगाते हैं, ऐसे ही इससे बचने के लिए ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सेफ है, घबराएं नहीं, कोई चिंता नहीं करें, ज़रूर लगवाएं सब।
में से डीजीपी सर है। आज आज के वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आज हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन लॉन्च करी है। स्पेशली हमने फ्रंटलाइन के लिए पुलिस हॉस्पिटल में एक वैक्सीनेशन सेंटर क्रिएट करा है, तो वहाँ पर जो चंडीगढ़ के डीजीपी है ही वॉलंटियर टू बी अमंग द फर्स्ट फ्यू। तो सबसे पहले एक लेडी कांस्टेबल रजनीवाला को वैक्सीनेट करा गया, उसके बाद डीजीपी ही गॉट वैक्सीनेटेड सक्सेसफुली एंड इट वाज अ रोल मॉडल फॉर हिज फोर्स। और आज हम 16 सेक्टर की जो हमारी साइट है यहाँ पर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स का 50 लोगों का सेशन बना है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर अलॉन्ग विद असिस्टेंट कमिश्नर्स ही इज़ कमिंग फॉर वैक्सीनेशन टुडे। अगेन ही वॉन्ट्स टू बी अ रोल मॉडल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके कि हमारे ऑफिसर्स ने लगवाया तो हम भी लगवाएं। एक वैक्सीन हेजिटेंसी तो है, ठीक है, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं आई है, इट वाज नॉट टेस्टेड इन द मार्केट। तो लोग चंडीगढ़ के जागरूक हैं, पढ़ के करते हैं, सब कुछ अपने ज्ञान से करते हैं। सो यू नो दैट काइंड ऑफ वी हैव अ वेरी हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन इन चंडीगढ़। तो ठीक है, वो अब देखते जा रहे हैं, दे आर गैदरिंग नॉलेज। हम काफ़ी आईसी एक्टिविटी कर रहे हैं इसके ऊपर, काफ़ी हम कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, ग्रुप्स में बुला के भी, पीयर ग्रुप्स भी बनाए हैं हमने ताकि इस हेजिटेंसी को दूर किया जा सके, क्योंकि ये नई चीज़ लॉन्च हुई है ना, तो इसलिए लोग देखेंगे। अब जैसे जैसे लोगों को लगता जा रहा है, कॉन्फिडेंस आगे से बढ़ता जा रहा है। मैडम, लेकिन आज देखा गया है कि टुडे द फ्रंट लाइनर्स वैक्सीनेशन इज देयर, और फ्रंट लाइनर में काफ़ी एंथुजियाज्म देखने को आ रहा है आज, एंड आई होप इनकी एंथुजियाज्म देख के हेल्थ केयर वर्कर्स भी और लगवा लें ताकि हमारे टारगेट पूरे हो जाएं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स को मैं कहना चाहूँगी कि देखो फ्रंट लाइनर्स हमसे आगे निकल रहे हैं, और प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ये सेफ वैक्सीन है, हैव फेथ इन योर सिस्टम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.